बताता हूँ। बेसिकली जो हम लोग को वीडियो बनाने का पर्पस है वो इस वक्त आज किसी प्रोडक्ट की रिव्यू के हवाले से नहीं है। मेरे पास कुछ बातें आई थी जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी जिसके हवाले से रेट्स के ऊपर, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर और बहुत सारी चीजें मामला हमारे सामने फेस हो रहे थे। तो मैं आपको एक बार बताता चलूँ कि जब भी इंसान कोई चीज प्रोडक्ट बेच रहा होता है, जब कोई नाम बना चुका होता है, नाम बना रहा होता है, तो उसकी कोशिश ये होती है फिर वो अच्छी क्वालिटी अच्छी प्रोडक्ट के ऊपर हवाले से हर चीज के ऊपर अपग्रेड करना चला जाए, कॉम्पिटेटिव प्राइस आपको देता चला जाए, फिर से आपको क्वालिटी अच्छी देने लग जाए ताकि जिसके ऊपर हमारे पास कंप्लेन का इश्यू रेशियो कम होता चला जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमने चीज फेस करी क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम हो गया इस मार्केट में काम करते हुए। कोई भी बंदा आता है वो 2000 रुपए कम करता है, बोलते हैं कि नहीं यार या तो तुम्हें 2000 सस्ती मिल रही है, मगर आपको यही नहीं मालूम कि इस प्रोडक्ट के अंदर दलावा क्या है। ये सिर्फ गाड़ी बॉडी की गाड़ी नहीं है, इसके अंदर बैटरी है, मोटर्स है, वायरिंग है, बटन है। 30 रुपए का भी बटन आता है, 50 रुपए का भी आता है, 500 रुपए का भी आता है। हमारे पास हर चीज की क्वालिटी के ऊपर चाइना प्रोडक्ट्स के अंदर हर चीज की क्वालिटीज है। फिर इसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता पहले हम लोग सस्ती चीजें बेच रहे थे, चाइना के प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, चाइना की गाड़ी भी बेच रहे थे दवा के। फिर हम लाइसेंस प्रोडक्ट पे आ गए। लाइसेंस प्रोडक्ट पे हम क्यों आए, उसके पीछे रीजन होगा ना कि हमने अपने चीज को अपनी उसको सेल को हमने महंगा क्यों किया, हमने अपनी प्रोडक्ट को महंगा नहीं हुआ कि हम चाइना के प्रोडक्ट को लेकर नहीं आ रहे कि हम उसको प्रोडक्ट महंगा हो गया। अभी पोर्श मॉडल है, बीएमडब्ल्यू X7 मॉडल है, मेसराटी मॉडल है, दोनों लाइसेंस, तीनों लाइसेंस प्रोडक्ट है, तो डिफरेंट क्वालिटीज है। अब ये अनब्रांडेड प्रोडक्ट होगा, अनब्रांडेड चीज होगी तो उसकी क्वालिटी सेल क्वालिटी गिर जाती है, क्योंकि जब भी कोई ब्रांड नेम आता है, जब भी कोई चीज आती है तो उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़ जाती है। सेकेंड थिंग, जहां की आप रेट्स की बात कर रहे हो, इसलिए जो बैटरीज लगी होती है हमारे पास, हम कोशिश कर रहे थे हम जो भी हमारे पास बैटरीज आती है वो हम कोशिश करते हैं बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की। चार्जर आते हैं लोकल, तीन तरह के तो चार्जर आते हैं आपके पास, एक लोकल आता है, एक ओरिजिनल आता है, एक फर्स्ट कॉपी आता है, तीन तरह के चार्जर आते हैं जिसमें मोबाइल जैसे हम चार्ज करते हैं, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, इसमें फास्ट चार्जर अलग आता है, नॉर्मल चार्जर अलग आता है, मोबाइल के साथ चार्जर अलग आता है। तो तीन क्वालिटी के ओरिजिनल चार्जर और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के ऊपर फास्ट चार्जर के ऊपर हर चीज की वर्थ है। लोगों को पता ही नहीं, लोगों को शोर नहीं है कि क्या चीज है। अब इसके अंदर जो एक MP3 प्लेयर लगा हुआ है उसमें 10 तरह की क्वालिटी आती है। अब इसके ऊपर जाहिर सी बात है, जब मैं आपको प्रोडक्ट क्वालिटी, जब आपसे गारंटी, आपको 3 महीने का वारंटी ऑफर कर रहे हैं, 3 महीने की वारंटी ऑफर हम आपको कर रहे हैं, वो किस चीज के ऊपर कर रहे हैं, किस चीज पर डैम श्योर होकर हम आपको वारंटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि सर जो भी आप उससे चीज परचेस कर रहे हो, जो भी आप उससे क्वालिटी परचेस कर रहे हो, तो मेरा आपसे कमिटमेंट है कि मैं आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफर करूंगा। फिर इसके बाद हमने कस्टमर्स के लिए हमने इंस्टॉलमेंट्स ऑफर करना शुरू करी, इंस्टॉलमेंट हमने इसी चीज के ऊपर ऑफर करना शुरू करी, हम कस्टमर्स को जो बेस्ट हो सके हम उनको बेनिफिट्स दे सके, जो बेस्ट हो सके हमको फेवर्स दे सके। तो हमारी जात से मैं आप सबको एक बात बताता चलूं कि हमें कतन ये मकसद नहीं है कि हम आपको चीप क्वालिटी दें, आपसे पैसा ज्यादा चार्ज करें, हमारा कतन मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद आपसे ये है कि जो आपको प्रोडक्ट क्वालिटी दे रहे हैं, जो आपसे हम पैसे चार्ज कर रहे हैं, वो चीज आपको क्वालिटी प्रोवाइड की जाए। अब इसका मतलब ये नहीं मैं आपको ओरिजिनल बैटरी की निकालू, मैं आपको लोकल बैटरी दाग दे दूं, तो मेरा बिजनेस कहां खड़ा है, मेरी कंपनी की वर्थ कहां खड़ी है। एक दफा वाला काम हो गया ना, हम अगर आज इतने टाइम से लेके किसी भी एक इतने टाइम का सफर हो गया हमारे पास, इतने टाइम से हम काम करते हैं इस फील्ड के अंदर, कोई भी बरसाती मंडक आएगा तो उसके बाद बोलोगे इस रेट पे काम कर रहा है, ये इस रेट पे, इस रेट पे बेच रहा है। सर बढ़ते हर चीज के ऊपर हमें फेस कर रहे हैं, हमारे को हर चीज देखनी है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई भी चीज बेचने के बाद हम उसके बाद इररिस्पॉन्सिबल है, वी आर नॉट, मैं ऐसा नहीं कर सकते। हमें आपको आंसर करना है, हमें आपको जवाब देना है, हमारी कोशिश है कि हम आपको मैनेजमेंट डे बाय डे इसको बेहतर करते चले जाएं। मगर अगर जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वो काइंडली हम सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें इस वक्त मालूम ही नहीं है, हमें इस वक्त आप मेरे कस्टमर है ना, आपको पता ही नहीं है कि हम क्या बेच रहे हैं। आप दूसरे किसी दुकानदार से जाके ले रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है कि वो आप इससे परचेस क्या कर रहे हो। तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर हम लोग वारंटी के ऊपर हम ऑफर क्या कर रहे होते कस्टमर को, सबसे पहली बात तो मैं आपको मजे की ये बताता हूँ। हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है तो हमने सबसे पहले टेस्टिंग मूड लिया कि यार हमने वारंटी ली थी जो आज से 6 महीने पुरानी, मैं आपको बता पाता था। हमने देखा कि यार हम कस्टमर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्या काम कर सकते हैं। हमारे पास कस्टमर ने जो हमसे कोई चीज परचेस कर गए, हमने आज तक कस्टमर से कभी सर्विस चार्जेस चार्ज नहीं किए, हमने आज तक ये चार्ज नहीं किया सर हमने खोला ये बनाया इसके 500 रुपए हमें बनाने के दो, हमने आपसे पैसे वसूल के चार्ज किया। अगर ये बटन है तो बटन, अगर हमने इसका फॉल्ट पकड़ा, फॉल्ट पकड़ने के बाद जो बटन की कॉस्ट है वो हमने आपसे चार्ज करी। अगर आपका चार्जर खराब हो गया हमने आपसे वो चार्जेस चार्ज किया, हमने आपसे सर्विस चार्जेस चार्ज नहीं किए। तो आज तक जो भी हम आपको वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आज तक हमसे जो भी आपको सेल आफ्टर सेल सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम आपको ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो आज तक आपको कोई बंदा प्रोवाइड नहीं कर रहा। सबसे मजे की बात इसके अंदर एक और ये होती है कि प्लस मेरे
साथ साथ मेरी पूरी टीम इस चीज की डॉक्टर है, डॉक्टर समझा दिया कि उनको पता होता है कि सर इसमें क्या मसला है, इसमें क्या इश्यू नहीं है। अब होता क्या है कि कुछ कस्टमर्स हमारे पास बाहर के होते हैं, वो वीडियो बना के हमारे भेज देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वीडियोस के ऊपर इश्यू रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। समटाइम्स आपको गाड़ी हमें पाकिस्तान कराची भेजनी पड़ती है, कराची जब मेरे ऑफिस में आती है, मेरे वेयरहाउस में आती है, जब मेरे रिपेयरिंग केयर सेंटर में जाती है, तो मालूम होता है कि उसमें फॉल्ट क्या होता है। अब इसके अंदर होता ही है कि कस्टमर्स से मेरी सबसे एक और रिक्वेस्ट भी यही है कि इसके अंदर डॉक्टरी ना की जाए, चल क्यों नहीं रही, क्या नहीं चल रहा। इसमें दो ही चीजें होती है, अगर सर्किट जो है ना, तो सर्किट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्किट अगर आपका जाया हो गया ना, तो उसमें आपकी गाड़ी समझ जाया होगी, और सर्किट ही बहुत होता है, इंपॉर्टेंट होता है आपकी वारंटी के अंदर। हम आपके पास कोई भी इश्यू आता है, मैंने स्टूडेंट पे गाड़ी बेची, किड्स पे बाइक बेची, हर महीने मेरे पास अक्सर कस्टमर आते होते हैं, चेक करा देते हैं। जैसे आप अपनी बाइक और अपनी गाड़ी को मेंटेनेंस करवाते हैं ना, इसी तरह इस बच्चे की गाड़ियों को आपको मेंटेनेंस की नींद पड़ती है, गारंटेड पड़ती है और जरूरी पड़ती है, क्योंकि बच्चे हैं, कभी जूस फेंक देंगे, कभी पानी फेंक देंगे, कभी क्या कर देंगे, कभी क्या कर देंगे, बच्चे हैं, तो आपको मेंटेनेंस चाहिए होती है। अब या तो आप नेक्स्ट आप आके जब आप गाड़ी बनाने जाते हो, किसी भी दुकान से लेते हो, आप उसको मेंटेनेंस के पैसे भरते ले जाओ, या तो आप उसको वो चले जाओ। अब हम लोग कोशिश यही कर रहे होते हैं कि आपकी सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम लाइफ टाइम कोशिश यही कर रहे होते हैं कि हम जो है उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेके चले। अब हमारा आगे नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के ना, जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारे मेंबरशिप में पहले लॉन्च किया था, जो भी हमारे मेंबरशिप होंगे, जो भी हमारे मेंबर्स होंगे, उनको 1 ईयर तक की हम लोग सर्विस कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज आप मुझे बताएं भी, आप मुझे एडवाइस भी दें क्या काम ऐसा करें या नहीं, कि हम 1 ईयर के ऊपर एक मेंबरशिप प्लान लगते हैं, जिसके ऊपर वो जो भी मेंबर्स हमारा बनेगा उसके साथ उसकी 1 ईयर की हम लोग उसको वो फ्री कर देंगे, सर्विसेज फ्री कर देंगे 1 ईयर तक के लिए। ये हम सोच रहे हैं, ये हम करना चाहेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर, और इंशाल्लाह आप अवेल कर सकोगे। ठीक है, थैंक यू।